और एक बहुत बड़ा स्कैम होता है बाकू में, जिससे आपको जरूर अलर्ट रहने की जरूरत है, बिकॉज हम लोग भी ये चीज फेस कर चुके हैं और उसने हमसे सारे पैसे एडवांस में ले लिया, उसके बाद ही नेवर शोड अप। हाय गाइस, तो अगर आप अजरबैजान ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे पूरे ट्रिप के टोटल कॉस्ट की, अजरबैजान का पूरा ट्रिप आपको कितने का पड़ेगा, इंक्लूडिंग फ्लाइट, होटल, वीजा, सिम, साइट सीइंग, ट्रांसफर एंड एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। और अगर आप अजरबैजान का नाम पहली बार सुन रहे हैं तो एक्सपेंसेस पर जाने से पहले एक थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अजरबैजान के बारे में। ये एक छोटी सी मगर बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है यूरोप और एशिया के बीच में, सेम लाइक टर्की एंड जॉर्जिया। और यूएई रेजिडेंस या इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल करना बहुत ही इजी है, बिकॉज फ्लाइट्स बहुत अफोर्डेबल है और वीज़ा बहुत ही इजी है मिलना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका पूरा बजट, कि आपको कितना बजट रखना पड़ेगा अगर आप अजरबैजान पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके ट्रिप के लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ से, यानी कि फ़्लाइट से। तो अगर यूएई रेजिडेंस की बात करें, अगर आप यूएई में रहते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि विज एयर की फ़्लाइट्स बहुत ही सस्ती होती हैं अजरबैजान के लिए। तो आप अबू धाबी से डायरेक्ट विज एयर की फ़्लाइट ले सकते हैं बाकू के लिए, जो कि स्टार्ट होती है 200 दरम पर पर्सन से वन वे। अगर आप बिना लगेज के जाना चाहते हैं, अगर लेट्स से आप समर्स में जा रहे हैं और आपको विंटर वेयर रखने की ज़रूरत नहीं है, तो 10 kg का बैकपैक लेके आप जा सकते हैं। बट अगर आप उसमें बैग ऐड करते हैं तो वही फ़्लाइट आपको 350 से 400 दरम पर पर्सन पड़ेगी वन वे। तो आपका टोटल आने जाने का जो फेयर है वो 700-800 दरम में हो जाएगा। बट इसके लिए आपको फ़्लाइट अबू धाबी से लेनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रहे, बिकॉज शारजा और दुबई से भी बाकू के लिए फ़्लाइट्स चलती हैं, बाकू जो अजरबैजान की कैपिटल है, मगर वो फ़्लाइट्स ऑब्वियसली महंगी होती हैं। तो अबू धाबी से विज एयर की फ़्लाइट चलती है, जो कि बहुत ही बजट एयरलाइन है और बहुत ही सस्ते में आपका आना जाना हो जाएगा। और अगर इंडिया से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से बाकू की फ़्लाइट ले रहे हैं तो आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी और उसका वन वे पर पर्सन का कॉस्ट है 500 से 550 दरम, जो कि बहुत ही सस्ता है। लाइक 10-12 हज़ार में आपको एक साइड की फ़्लाइट पड़ रही है, तो आपका आना जाना मिला के 24-25 हज़ार में हो जाएगा, जो कि बहुत बहुत सस्ता है। बिकॉज हम जब बैंगलोर से दिल्ली या दिल्ली से बैंगलोर ट्रैवल करते हैं तो हमें डोमेस्टिक फ़्लाइट ही 10-12 हज़ार की पड़ती है एक साइड की। तो अगर 10-12 हज़ार में आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट मिल रही है, इंडिया से बाहर एक नई कंट्री जाने का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक ये बेस्ट डील है। अब बात करते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की। तो इसके लिए आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ई वीज़ा होता है, जो कि नॉर्मल रेगुलर वीज़ा की कॉस्ट होगी $26 पर पर्सन। और अगर आप अर्जेंट में अप्लाई करेंगे, जो कि 4 आवर्स में आ जाता है, उसकी कॉस्ट है $65। एंड वैसे तो मोस्टली एशियन नेशनैलिटीज़ के लिए ई वीज़ा की ही रिक्वायरमेंट होती है, बट अगर इंडिया के अलावा आपके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट है तो आप वेबसाइट पे एयरलाइन से या फिर अम्बेसी से चेक कर सकते हैं कि आपके लिए वहाँ की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और यूएई रेजिडेंस के लिए अभी रिसेंटली हुआ है कि वीज़ा फ्री एंट्री हो गई है अजरबैजान के लिए, बट फिर भी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या जब भी आप अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, उससे पहले आप कन्फर्म कर लें अपनी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है कि उस टाइम तक यही था कि वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री है, यू डोंट नीड अ प्रायर वीज़ा टू एंटर अजरबैजान। बट अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी कि हमें एयरलाइन फ्लाइट बोर्ड करने से मना कर दिया था, एंड दैट वेरी सेम डे दे सेड कि नहीं, आपको अजरबैजान जाने के लिए यू नीड टू हैव एन ई वीज़ा। तो हम फ्लाइट नहीं बोर्ड कर पाए थे, जिससे कि हमें हज़ारों दरम्स का लॉस हुआ था, एंड वी डोंट वांट कि जो हमारे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ हो, किसी और को वो चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़े। अगर वीज़ा ऑन अराइवल होता है तब भी वी से कि सेफर साइड पे पहले ही प्रायर वीज़ा लेके जाना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो अपने साथ स्क्रीनशॉट लेके चलें वहाँ पर, उनसे आप आर्ग्यू करें, उनको प्रूफ दें, उनसे प्रूफ मांगें कि कहाँ लिखा हुआ है। बिकॉज जब हमने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई तो हमें इतने सारे कमेंट्स आए कि उसी टाइम पर इतने सारे लोगों ने ट्रैवल करा बिना ई वीज़ा के और उन सबको फ़्लाइट बोर्ड करने दी गई। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एयरलाइन स्टाफ के पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती या वो अपडेटेड नहीं होते वीज़ा रिक्वायरमेंट्स को लेके, इसलिए हो सकता है कि वो आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दें,
जिससे कि आपका पूरा ट्रिप, आपके पैसे, आपका टाइम सब वेस्ट हो जाए। तो इसलिए हमेशा अपने ट्रैवल से पहले रिक्वायरमेंट्स चेक करें, उसका स्क्रीनशॉट लेके जाएं और उसको एयरलाइन को ज़रूर दिखाएं। सो नेक्स्ट पॉइंट है होटल। होटल का कॉस्ट काफ़ी वेरी करता है, बिकॉज डिपेंड करता है कि आप बजट होटल प्रेफर कर रहे हैं या 4-star 5-star, और जो भी होटल है वो सिटी सेंटर के एकदम अंदर है या काफ़ी दूर है, तो उस सब चीज़ों के ऊपर उसके प्राइसेस वेरी करते हैं। सो ऑन एन एवरेज बाकू में आपको सिटी सेंटर में होटल मिलेगा 350 दरम से लेके 600-700 दरम पर नाइट का, दो लोगों के लिए। एंड ऑब्वियसली अगर आप सिटी से दूर रहेंगे, जितना दूर रहेंगे उतना आपको सस्ते होटल्स मिलेंगे, बट फिर वो बहुत ही आइसोलेटेड सा हो जाता है। वी ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर आप उसी कैपिटल सिटी में, तो आप सिटी सेंटर में ही स्टे करें, बिकॉज वहाँ आपकी नाइट लाइफ, वहाँ की जो वाइब्स होती हैं, सिटी की जो रौनक होती है रात को, वो सब आपको देखने को मिलेगी, वो सब पूरा इंजॉय करने का, एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। तो उस चांस को बिल्कुल भी मिस ना करें और अपना होटल सिटी सेंटर में या सिटी सेंटर के आसपास ही बुक करें। और एक बहुत बड़ा स्कैम होता है बाकू में, जिससे आपको जरूर अलर्ट रहने की जरूरत है, और ये होटल स्कैम होता है। booking.com, Airbnb और ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स पे कुछ लोग अपने घरों की फोटोज लेके डाल देते हैं, क्लेमिंग कि ये एक होटल है, होटल अपार्टमेंट है, सर्विस अपार्टमेंट है, यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज हैं, और वो आपको कंपैरेटिवली काफी सस्ता दिखेगा कि 200-250 दरम में, अगर बाकी होटल्स आपको 400-500 दरम में, तो उसका प्राइस आपको काफी कम लगेगा। बट इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी बुक ना करें, बिकॉज जब आप वहाँ पहुंचेंगे तो वो कोई होटल अपार्टमेंट नहीं होगा और वो किसी और का घर होगा, किसी और के नाम पर होगा। बिकॉज हम लोग भी ये चीज फेस कर चुके हैं, बिकॉज हमारे साथ छोटा बच्चा था, सो वी वॉन्टेड टू हैव अ किचन, सो वी वर लुकिंग फॉर होटल अपार्टमेंट, और हमारे साथ हमारी नैनी भी गई थी, तो हम लोग 2-bedroom अपार्टमेंट देख रहे थे, और हमने वो booking.com से बुक करा था। उसके बाद में हमने कंप्लेन भी रेज करी थी, बिकॉज वहाँ जाने का पता चला कि वो किसी का घर है, एंड देन दैट पर्सन सेड कि वो 2-bedroom अपार्टमेंट अवेलेबल नहीं है, अब मेरे पास 3-bedroom है, वो आपको इतने का पड़ेगा, एंड वी वर सो टायर्ड, हमारे पास टाइम नहीं था कि हम जाके होटल ढूंढे, सो वी सेड ओके, हमने उसको एक्स्ट्रा पैसे पे करे और उसने हमसे सारे पैसे एडवांस में ले लिए। उसके बाद ही नेवर शोड अप, और उसमें कोई फैसिलिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सोप, हैंड वॉश, टॉवल, नथिंग एट ऑल। तो इस तरह के स्कैम से बचें और किसी ट्रस्टेड कंपनी से ही अपना होटल या अपना पैकेज बुक करवाएं। और गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि हम दुबई, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया जैसी कंट्रीज़ के लिए ट्रैवल पैकेजेस प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बहुत ही बेस्ट प्राइस पे। तो अगर आपको फ्लाइट, होटल, वीज़ा, साइट सीइंग जैसी कोई भी रिक्वायरमेंट है या पूरा ऑल इंक्लूसिव कंप्लीट पैकेज चाहिए, तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं, और आप हमारे रिव्यूज़ हमारी वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम के रिव्यू सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और अब बात करते हैं सिम की। तो सिम वहाँ पर बहुत ही सस्ता है और डेटा बहुत ही सस्ता है, तो आपको ऑलमोस्ट 35 दरम में 10 या 15 GB डेटा मिलता है, जो कि 5-6 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए बहुत है। एंड आई नो इंडिया वाले लोगों को ये बहुत महंगा लग रहा होगा, बिकॉज इंडिया में जो डेटा पैक्स होते हैं, ये मोबाइल प्लान्स बहुत ही सस्ते होते हैं, और वहाँ पर डे शायद 1 GB या 2 GB डेटा मिलता है रोज़ का। बट बिकॉज UAE में डेटा वगैरह बहुत महंगा है, तो 35 दरम में 15 GB डेटा बहुत ज़्यादा है हम लोगों के लिए, तो इसलिए हमारे हिसाब से वो बहुत ही सस्ता है, तो सिम भी आपको इतना महंगा वहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो आपका फ्लाइट हो गया, होटल हो गया, वीज़ा हो गया, सिम हो गया। अब बात करते हैं डे टूर्स की। तो अगर आप बाकू में रह रहे हैं तो आप वहाँ से डे ट्रिप्स लेंगे, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिकमेंडेड, कि आप कैपिटल सिटी में ही रहें, बाकू में ही रहें, बाकी जगहों के लिए आप डे ट्रिप्स लें। या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप एक रात गबाला में भी रुक सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर स्की रिजॉर्ट है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, पूरा स्नो से ढका हुआ, तो आपको वहाँ पर रहने में भी बहुत मज़ा आएगा। हमारे पास टाइम कम था इसलिए हम वहाँ पर एक रात नहीं रुक पाए, बट अगर आप लोगों के पास टाइम है तो वहाँ पर ज़रूर स्टे करें। तो अगर ग्रुप टूर्स की बात करें तो आपको बाकू से डे टूर जो हैं वो $50 पर पर्सन के हिसाब से मिलेंगे ईच टूर, जिसमें कि खाना इंक्लूडेड नहीं होगा। आप चाहें तो खाना भी ऐड करवा सकते हैं, और उसके अलावा इसमें जो भी टिकट्स होते हैं म्यूजियम के या टेंपल के या केबल कार के, वो सब इंक्लूडेड नहीं होते, तो एक्सक्लूडिंग दोज टिकट्स। तो ऑन एन एवरेज अगर आप 3 day टूर्स लेंगे तो आपको $50 पर पर्सन फॉर ईच टूर पड़ेगा, तो यानी कि 3 दिन का आपको $150 पर पर्सन पड़ेगा। और अब अगर बात करें कि कितने दिन इनफ हैं अजरबैजान को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए, देन आई वुड से 5-6 days, या अगर
आपके पास ज़्यादा टाइम है और बजट आपका कंसर्न नहीं है तो यू कैन इवन एक्सटेंड इट टू 7 days, तो आप अच्छे से सारी जगह एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो एक हफ्ता मोर देन इनफ है अजरबैजान घूमने के लिए, बिकॉज ये एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है और उसमें आप डे टूर्स ले सकते हैं बाकू के बाहर, और 2-3 दिन आप बाकू में रह के बाकू को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बिकॉज बाकू में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें हैं देखने के लिए, बहुत सारी अमेजिंग टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। और अगर लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करें कि आप वहाँ पर सिटी के अंदर लोकली कैसे ट्रैवल करेंगे, तो वैसे तो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है, मगर हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करा बिकॉज हमें टैक्सीज वहाँ पर बहुत ही सस्ती लगी। तो टैक्सी के लिए आप बोल्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप अपनी सारी कैब बुक कर सकते हैं, बहुत ही ट्रस्टेड साइट है और हमारे लिए, बिकॉज हमारा रेफरेंस पॉइंट दुबई के हिसाब से, यहाँ के एक्सपेंसेस के हिसाब से, तो हमें कैब्स वहाँ पर बहुत ही सस्ती लगी एंड आई थिंक इंडिया के हिसाब से भी आपको सस्ती लगेंगी या सेम लगेंगी या उतनी महंगी नहीं लगेंगी। और अगर टूरिस्ट अट्रैक्शंस के टिकट्स की बात की जाए तो वो भी बहुत 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 सस्ती है। जैसे केबल कार का प्राइस है सिर्फ $9 पर पर्सन, जिसमें कि आना जाना दोनों इंक्लूडेड है। और जैसे कारपेट म्यूजियम हो गया या लिटिल वेनिस में जो बोट चलती है, बोट राइड, और मैदान टावर, हैदर अलाइव सेंटर, इन सब के टिकट प्राइसेस बहुत ही सस्ते हैं, लाइक 10-15-20 मन्नत, जो कि अजरबैजान की करेंसी है मन्नत, जो कि बहुत ही कम है, बिकॉज दुबई में टूरिस्ट अट्रैक्शन के प्राइसेस कुछ भी 150-200-300 दरम से कम नहीं होता है। तो ये भी बहुत ही अच्छा पार्ट था कि हमें वो चीज़ देख के इतना ताज्जुब हुआ कि इतने सस्ते टिकट्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक इतना डेवलप्ड नहीं है टूरिज्म के मामले में और इतना डिजिटलाइज नहीं हुआ है, तो आप ये सारे टिकट्स ऑनलाइन नहीं खरीद सकते, आपको फिजिकली वहां पर जाकर काउंटर से ही ये सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अजरबैजान में सारी जो टूरिस्ट एक्टिविटीज हैं वो 7 days ओपन नहीं होती हैं, बिकॉज हमारे लिए भी ये चीज काफी नई थी और काफ़ी शॉकिंग थी, बिकॉज दुबई में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो 365 days 7 days अब एक हमेशा ओपन रहते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये इस दिन पर बंद है। मगर वहाँ पर ऐसी कई सारी अट्रैक्शंस हैं कि ये म्यूज़ियम मंडे बंद होता है, ये चीज़ ट्यूसडे बंद होती है, ये चीज़ फ्राइडे को क्लोज होती है। तो अगर आप अपना पूरा ट्रिप खुद से प्लान कर रहे हैं तो अच्छे से सारी चीज़ों की रिसर्च करें, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ें कि वो किस दिन बंद है, उस हिसाब से अपनी आइटनरी डिज़ाइन करें और उसी हिसाब से सारी चीज़ें प्लान करें। और काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि वेन इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट अजरबैजान, या किसी भी कंट्री को ट्रैवल करने का कौन सा बेस्ट टाइम है, तो आई थिंक इसका कोई भी सही या गलत जवाब नहीं हो सकता, बिकॉज ये पूरा डिपेंड करता है कि आप क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जैसे हम लोग मिडिल ईस्ट में रहते हैं, हम UAE में रहते हैं, यहाँ पर हर तरफ डेजर्ट है, तो हम स्नो एक्सपीरियंस करना चाहते थे, कोल्ड विंटर्स एक्सपीरियंस करना चाहते थे, स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना चाहते थे, बिकॉज मोस्टली हम ऑटम या स्प्रिंग अच्छे वेदर में ही ट्रैवल करते हैं और वो साल का सबसे बेस्ट टाइम होता है कोई भी कंट्री ट्रैवल करने का, बिकॉज वेदर एकदम परफेक्ट होता है, न एक्सट्रीम कोल्ड न एक्सट्रीम हॉट, और आपको फॉल के कलर्स भी देखने को मिलते हैं। बट दिस टाइम वी प्लान्ड दिस ट्रिप फॉर मसरूस बर्थडे, जो कि जनवरी में होता है, तो जनवरी में ऑब्वियसली एक्सट्रीम कोल्ड होता है और बाकू बहुत ही ज्यादा विंडी प्लेस है। बाकू का लिटरल मीनिंग यही है, सिटी ऑफ विंड, तो वहां के लिए आप विंड प्रूफ जैकेट जरूर कैरी करें, बिकॉज ठंड से ज्यादा वहां पर इतनी चुभने वाली हवा चलती है जो कि आपको सुन्न कर देगी। बट ऐसा नहीं है कि पूरे अजरबैजान में ही इतना विंडी है, बाकू में ही हमने वो चीज एक्सपीरियंस करी थी, बाकी जो हमने डे टूर्स लिए और हम जब गबाला और दूसरी जगह गए जहाँ पर पूरा स्नोफॉल वाला एटमोसफेयर था, पूरी स्नो थी और स्नोफॉल हो रही थी, बट दैट रीजन वॉज नॉट विंडी एट ऑल, तो हम वहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाए। तो अगर आप स्नो देखना चाहते हैं, स्की रिजॉर्ट में रुकना चाहते हैं, स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, स्नो में खेलना चाहते हैं, देन आई वुड से जनवरी टू मार्च इज द बेस्ट टाइम, बिकॉज जब हम गए थे जनवरी में तभी उस सीजन की, उस साल की पहली स्नोफॉल हुई थी हमारे जाने के नेक्स्ट डे, तो जनवरी में ही मोस्टली स्नोफॉल स्टार्ट होती है। अगर आप नहीं चाहते स्नो एक्सपीरियंस करना या इतनी ठंड में जाना, तो अप्रैल में ये 2 महीने जब वेदर भी अच्छा होता है, स्नो भी नहीं होती
और आप इजीली सारी चीज़ें आराम से घूम पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। एंड सेम इज़ फॉर अक्टूबर नवंबर, उस टाइम पर भी स्नो नहीं होती है और बहुत अच्छा वेदर होता है, तो उस टाइम पर भी आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। अगर आप क्रिसमस न्यू ईयर वाली वाइब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको दिसंबर में ट्रैवल करना पड़ेगा, बिकॉज किसी भी सिटी में जो क्रिसमस डेकोरेशन होती है और जो क्रिसमस मार्केट्स होती हैं, कार्निवल्स होते हैं, उस सबकी एक पूरी अलग ही फीलिंग होती है, अलग वाइब होती है। तो हमें दोनों चीज़ें देखने को मिली, बिकॉज तब तक पूरा क्रिसमस डेकोरेशन था, न्यू ईयर डेकोरेशन था, क्रिसमस मार्केट लगी हुई थी। और गाइज, हमारे चैनल पे अज़रबैजान के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हमने 4-5 वीडियोस डाली हैं, एक ओवरव्यू पूरी कंट्री का लेना चाहते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वो आप जाके ज़रूर चेकआउट करें। और दूसरी चीज़, अगर आप इतनी रिसर्च करने पर और इतनी मेहनत और इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते कि आप एक एक फ्लाइट ढूंढें, वीज़ा अप्लाई करें, होटल ढूंढें, इतनी रिसर्च करें, आइटनरी बनाएं, एंड यू वांट टू बुक अ कंप्लीट पैकेज विद अस, तो हमारे पास अज़रबैजान के ट्रैवल पैकेजेस भी हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। तो अगर आप हमारे साथ फ्लाइट पैकेज बुक करना चाहते हैं तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर सकते हैं। हमारे पैकेज स्टार्ट होते हैं $380 से लेके $450 तक, जो कि 5 नाइट 6 डेज के पैकेजेस हैं, जिसमें होटल ट्रांसफर्स, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, साइट सीइंग, वीज़ा, बाकू सिटी टूर, डे ट्रिप्स और जितने भी अट्रैक्शन के टिकट्स होते हैं सब कुछ इंक्लूडेड है एक्सेप्ट फ्लाइट्स। फ्लाइट्स हम आपके ऑब्वियसली बुक कर सकते हैं, बिकॉज कौन कहाँ से ट्रैवल कर रहा है, यूएई से ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया में कौन सी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, कौन सी डेट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो फ्लाइट के प्राइसेस डायनेमिक होते हैं और उन सब फैक्टर्स पे वेरी करते हैं, इसलिए फ्लाइट का प्राइस हम पैकेज में नहीं इंक्लूड कर सकते, बट वो भी हम आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर सकते हैं। बट एक्सक्लूडिंग फ्लाइट्स, दिस इज द प्राइस फॉर अ कंप्लीट पैकेज, ऑल इंक्लूसिव पैकेज। और गाइस, तो ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज अब इंडिया में भी ये कल्चर आ चुका है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं, नई नई कंट्रीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज ट्रैवल करिए और हमारी वीडियोज़ देखते रहिए, ताकि हम आप लोगों के सामने ऐसे ही कुछ नई और अफोर्डेबल बजट डेस्टिनेशन लेकर आते रहें। और अगर अज़रबैजान से लेकर आपके कोई भी सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सारे कॉमेंट्स पढ़ते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल हैं आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे आप कोई भी ट्रैवल सर्विसेज लेना चाहते हैं या पैकेजेस बुक करवाना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये सारी वीडियोस बनाने में बहुत ही टाइम और एफर्ट लगता है, तो हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।